हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिंटू SB एंड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिक्सल ऐप से इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको डिलीट कर देंगे ताकि हम शुरू से बनाएंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये बीच वाला आइकन में जाएंगे, इसमें जाने के बाद एक तो सेफ ले लेंगे, सेफ ले लेंगे, इसको जो है साइज दे देंगे आइडेंटिटी कार्ड का जो साइज होता है ये दे दिए। उसके बाद ये टिक लगाएंगे सही वाले में, टिक क्लिक कर दिए। उसके बाद इसको जो है ये हो गया, उसको फिर से जो है तो सेफ ले लेते हैं। ये देखो, हम ले लिए और इसको अच्छा से शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद इसमें जो है आप कलर भी डाल सकते हैं, चाहे रेड हो या ब्लू हो या वाइट हो। तो हम फिलहाल ब्लू रखेंगे ताकि अच्छा रहेगा आइडेंटिटी कार्ड के लिए। तो इसको जो है नीचे वाले नीचे के लिए जो है कॉपी कर लेते हैं। हम कॉपी कर लिए, इसको जो है अच्छा से शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर देने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए इसको जो है थोड़ा कम कर देंगे। ये देखिए, हम कर दिए। उसके बाद फिर से जाएंगे यहाँ प्लस वाला आइकन में, इसमें क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको जो है टैक्स देना होगा। हम टैक्स में क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है ये डिलीट के ऑप्शन के बगल में ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसमें से आपको पेंसिल वाला आइकन में देना होगा। उसके बाद यहाँ से जो है न्यू टैक्स, इसको हटा करके आप उसमें आइडेंटिटी कार्ड लिखिए। हम लिख दे रहे हैं देखिए दोस्तों, हम आइडेंटिटी कार्ड लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ जो ऊपर जो ओके का निशान है, इसमें ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद ये देखिए, ये जो है मेरा लिखा हुआ हो गया है। इसमें जो है आप कलर भी डाल सकते हैं या साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है रेड रखेंगे। रेड रखने के बाद उसको फंड दे देते हैं, आप कैसा भी फंड जो है ले सकते हैं। तो फिलहाल हम ये वाला फंड ले लेते हैं। उसके बाद इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर देने के बाद इसको अच्छा से जो है शिफ्ट कर दीजिएगा। ये हो गया दोस्तों, जैसे आइडेंटिटी कार्ड जो लिए जैसे लिखे हैं उसी तरह जो है आप नाम और स्कूल का कॉलेज का एड्रेस उड्रेस जो है लिख करके आप सेव कर सकते हैं, समझे। और हम जो है पहले से जो है सेव करके रखे हैं, इसलिए सेव करके रखे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप बोरिंग ना हो जाए, इसलिए जो है हम सेव करके रखे हैं। तो देखिए, हम जो है सब सेव करके रखे हैं, हम सब जो है सेव करके रखे हैं। तो इसको जो है अच्छा से शिफ्ट करेंगे, इसको अच्छा से शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया देखिए दोस्तों। उसके बाद जो है इसको भी जो है अच्छे से शिफ्ट कर देते हैं, इसको भी शिफ्ट कर दिए। उसके बाद इसको जो अच्छा से शिफ्ट कर देते हैं, ये देखिए पीछे जा रहा है। तो इसका पीछे जाने का मतलब ये है कि ये जो हम जो सेव जो बाद में जो लिए हैं, इसलिए इसी वजह से जो है हम जो टाइटल जो लिखे हैं, इसे जो लिखे हैं नेम बादस नेम डेट ऑफ बर्थ, ये पीछे जा रहा है। उसका कारण ये है कि इसको फंड कर देते हैं ताकि ये आगे हो जाए। देखिए आगे हो गया, उसको इसको अच्छा से शिफ्ट कर देंगे। इसको शिफ्ट कर देने के बाद देखिए, ये आइडेंटिटी कार्ड है, हम देखिए पहले से लेकर अभी है लेके आपको लिखा, इसलिए उसको जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए। इसका ये एड्रेस है तो ये वैसे तरह होगा। फिर से इसको फंड कर देंगे। फंड कर देने के बाद फिर इसमें जो है इसको ले लेते हैं। इसका हो गया ये कर देने के बाद, उसके बाद जो है फिर से यहाँ जो है इसको ले लेंगे, इसको ले लेते हैं, अच्छा से शिफ्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा देंगे। उसके बाद जो है फिर यहाँ बीच वाला आगे में जाएंगे, क्योंकि तो सेव ले लेंगे फ़ोटो के लिए। उसके बाद जो है इसको अच्छा से जो है बता देते हैं। बता देने के बाद जो है इसमें ठीक कर देंगे। और इसमें जो है आप कलर वलर सब कुछ डाल सकते हैं, क्योंकि पहले हम बताए थे कोई सा भी कलर जो है वो डाल सकते हैं। तो फिलहाल अब ये रखेंगे ताकि देखने के लिए अच्छा रहे। डाल दिए। उसके बाद जो है फिर उसी तरह आपको फोटो सेव लेना होगा प्रिंसिपल सिग्नेचर के लिए। चल शिफ्ट कर दीजिए। हाँ, ये कर दिए। उसके बाद जो है ये हो गया। तो ये जो है सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, उसको भी अच्छा से उसे देखिए उसी तरह लेके जाएंगे। ये जा रहा है, उसके बाद फंड कर देते हैं। ये
कर दिए, शिफ्ट कर दिए। अच्छा उसके बाद जो है फिर से फ़ोटो लेना है, तो उसे पहले हम बोले थे कि सेव करके रखे हैं, तो देखिए हम सेव करके रखे हैं, उसके बाद अच्छे से बना लेते हैं। देखिए दोस्तों अब जो है मेरा आइडेंटिटी कार्ड जो है वो फाइनल हो गया है। आप भी जो है इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड अपने मोबाइल से बिल्कुल आसान से बना सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी समझ में अगर नहीं आया है तो हमको कमेंट कीजिए और हम उसके बारे में जो है एक नया वीडियो बना करके आपको भेज देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है समाप्त हो गया है। जय हिंद, जय भारत।